नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे तारापुर विधानसभा उपचुनाव के बारे में। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर एक्शन में है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की दो सीटों पर यानी कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत तेज है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। इस उपचुनाव में महागठबंधन में रार देखने को मिल रहा है। ऐसे में लंबे समय से साथी यानी कि कांग्रेस और राजद दोनों ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर में अपने अपने उम्मीदवारों के उतारने की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ एनडीए में भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस उपचुनाव में एक अहम कड़ी बनकर सामने आए पप्पू यादव की पार्टी जाप ने भी जो है कांग्रेस को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में हो रहे इन दोनों सीटों के उपचुनाव के लिए सियासत जो है अपने आसमान पर है और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानबाजियों का दौर जारी है। ऐसे में आइए आज हम बात करते हैं तारापुर सीट के बारे में। तारापुर विधानसभा सीट पर एनडीए से जदयू के उम्मीदवार के बीच में राजद के बीच जो है सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तारापुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए ने राजीव कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं राजद ने अरुण साह को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर पहले भी राजद के ही उम्मीदवार थे। ऐसे में इस सीट पर राजद और कांग्रेस के बीच में कोई विवाद देखने को नहीं मिला। कांग्रेस ने यहां से राजेश कुमार मिश्रा को अपना उम्मीदवार आना है। वहीं अगर हम बात कर लें चिराग पासवान की पार्टी की, तो इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। साथ ही साथ पप्पू यादव की पार्टी जो है उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन देने का फैसला किया है। ऐसे में अब साफ है कि यहाँ एनडीए और राजद के बीच में सीधी लड़ाई देखने को मिल सकती है। खैर, पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने एनडीए का समर्थन करने की बात कही है। अब हम बात कर लेते हैं साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। तो तारापुर विधानसभा सीट पर कुल 26 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इनमें से अगर हम बात कर लें कि अगर कुल मतदाताओं की संख्या की बात कर लें, तो कुल मतदाताओं की संख्या 317,340 मतदाता है, जिनमें से 174,547 मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया, यानी कि 55% मतदान हुआ। तारापुर विधानसभा चुनाव में जदयू की तरफ से मेवालाल चौधरी उम्मीदवार थे, तो इन्हें जो है कुल वोटों की संख्या जो थी 64,468 वोट मिले, जबकि राजद की तरफ से दिव्या प्रकाश को 57,243 मत मिले। वहीं इसी सीट पर तीसरी जो अहम कड़ी बनकर सामने आई थी वो थी लोजपा, और लोजपा की मीना देवी को जो है कुल 11,264 वोट मिले थे। आपको बता दें 2020 विधानसभा चुनाव में जदयू को सबसे ज्यादा नुकसान जो है लोजपा ने पहुंचाया था। खैर, इस सीट पर तो ऐसा दिख रहा है कि राजद को जो है लोजपा जो है नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही है, क्योंकि लोजपा की जो सीटें हैं 11,264 वोट, अगर वो काश राजद के खाते में गई होती तो यहां से मेवालाल चौधरी चुनाव हार सकते थे। लेकिन सियासत में सब कुछ जायज है। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच में तारापुर विधानसभा सीट पर जदयू और राजद के बीच में सीधा मुकाबला है। लेकिन इस बार महागठबंधन से कांग्रेस के अलग हो जाने के बाद से अब जदयू, राजद और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि महागठबंधन में फूट से एनडीए को फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। हालांकि ऐसे में अब देखना है कि किस पार्टी को कितना मत मिलता है और किसकी जीत होती है। तो हमारा इस विधानसभा यानी कि तारापुर विधानसभा में होने वाले इस उपचुनाव पर नजर बनी रहेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।